आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जोरदार प्रदर्शन ने कईयों को हैरान कर दिया। यूपी की कुल 80 सीटों में से सबसे ज्यादा 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने ही जीती। सपा के इस प्रदर्शन के लिए चुनावी विश्लेषक अखिलेश यादव की खूब तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने चुनावी समीकरणों के साथ साथ अपनी वाक्पटुता के लिए भी कई बार चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही उदाहरण इस बार एक चुनावी सभा में देखने को मिला। साथियों, हम सबके नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से निवेदन है। दरअसल हुआ यूं कि 15 मई को अखिलेश यादव फैजाबाद लोकसभा सीट में चुनावी रैली कर रहे थे। यहां से सपा ने अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा था। अपने भाषण के दौरान अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को पूर्व विधायक बोल दिया, तो बगल में ही खड़े अवधेश प्रसाद ने तुरंत टोकते हुए कहा कि वो अभी वर्तमान विधायक हैं। तभी अखिलेश ने स्थिति को चालाकी से संभालते हुए कहा कि वो पूर्व विधायक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब आप सांसद बनने वाले हो। ये बात सुनते ही अवधेश प्रसाद भी हाथ जोड़कर हंसने लगे। समाजवादी पार्टी के हमारे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। अखिलेश यादव का ये वीडियो तभी से काफी वायरल हो गया था। सपा समर्थकों ने कहा था कि अखिलेश ने पहले ही फैजाबाद सीट की भविष्यवाणी कर दी। जब 4 जून को चुनावों का नतीजा आया तो अखिलेश की ये बात सच साबित हुई। फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां से सपा ने 37 सीटें जीती। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, जिसके खाते में 33 सीटें आईं। वहीं कांग्रेस ने यूपी से 6 सीटें अपने नाम की।